मध्य प्रदेश के भोपाल में चार आतंकी मिलने से प्रदेश में हड़कंप मच गया है। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने इंदौर में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगह राजबाड़ा पर BDDS डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग कर रही है। दरअसल पिछले दिनों मध्य प्रदेश के भोपाल में चार आतंकी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, जिसे लेकर अब इंदौर में भी हाई अलर्ट जारी किया है। भोपाल में पकड़ाए आतंकी की लिंक इंदौर से नहीं मिल पाई है, पर एहतियात के तौर पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा लगातार थाना स्तर पर बैठक की जा रही है। वहीं इंदौर की प्रमुख जगह जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इंदौर के दिल कहे जाने वाला राजबाड़ा क्षेत्र में BDDS द्वारा डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग की जा रही है, साथ ही बाहर से आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। जहां तक उस घटना का संबंध है, घटना से सीधे अभी कोई तार यहां नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस जो बहुत सारे जो तथ्य मिले हैं उन तथ्यों का परीक्षण कर रही है और उस परीक्षण के बाद जो बहुत सारी जानकारियां जुटा रही है। बहरहाल पुलिस आगामी त्योहारों के मद्देनजर पर्याप्त संवेदनशीलता से तैयारी कर रही है, छोटी छोटी सूचनाओं पर पर्याप्त निगाह रख रही है, लेकिन बहरहाल सीधे उस घटनाक्रम से किसी के जुड़े होने की यहां पर पुष्टि नहीं हुई। धार्मिक स्थल और ऐसे इलाके हैं जिसमें स्कूल है, वहां पर किस तरह अन्य एजेंसियों ने भी संपर्क किया है अलर्ट की? पुलिस ने पिछले दिनों यहाँ की जो महत्वपूर्ण संवेदनशील प्रतिष्ठान है, जैसे कि महत्वपूर्ण जो कार्यालय है, महत्वपूर्ण न्यायालय की जो विभिन्न शाखाएं हैं, यहाँ पर विभिन्न जो एयरपोर्ट से लेकर अन्य जो संवेदनशील स्थान है, उन सारे जगहों पे पुलिस ने सुरक्षा ऑडिट की है, उनके सुरक्षा के जो मानक है उनको तय किया है, जिसका उद्देश्य है कि किसी भी तरह की सुरक्षा जो है सुरक्षा को पूर्णतः फुल प्रूफ किया जा सके, जो जरूरी मापदंड है उन्हें सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी तरह की जो व्यवस्था हो वो बेहतर ढंग से हो, सभी संस्थान पूरी तरह से सुरक्षित हों, इसको लेकर के जो एजेंसी है, जो स्थानीय जो संस्था है उसको जागरूक करने के साथ साथ जहां पे जरूरत है वहां पे पुलिस बल भी लगाया गया है। सर, इंटेलिजेंस ने क्या आपसे कोई इस तरह का? क्योंकि सर पूर्व में भी जैसे उस घटनाक्रम से जुड़े, जैसे मैंने जिक्र किया, सीधे यहां से किसी के जुड़े होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।